बंगाल में आज रैलियों का मंगलवार है। अमित शाह और जेपी नड्डा की तमाम रैलियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता भी 3 जनसभाओं के लिए तैयार है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ है ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि शुभेंदु और ममता में किस बात पर ठन गई है। हम आपको दिखाते हैं टॉप नाइट बैटल ऑफ बंगाल। बंगाल में अमित शाह और जेपी नड्डा का रोड शो है। शाह सबसे पहले मिदनापुर के मंडी मठ में दोपहर 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे मेदिनीपुर में रोड शो करेंगे। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता के घाटल में दोपहर 2:30 बजे रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी आज पुरुलिया में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। बांकुरा में मुख्यमंत्री की दोपहर 12 बजे रैली है। खास बात यह है कि 2 दिन पहले पीएम मोदी ने बांकुरा में ही रैली की थी। बताया जाता है कि टीएमसी की कोशिश पीएम की रैली के मुकाबले की भीड़ जुटाने की है। आज चुनाव आयोग की फुल बेंच टीम बंगाल के दौरे पर है। आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची है। टीम राज्य प्रशासन के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। खासतौर से आयोग के सदस्य उन इलाकों पर फोकस करेंगे जहां पहले चरण में मतदान होना है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार साइनी घोष सोमवार को आसनसोल के बर्नपुर इलाके में प्रचार के दौरान अचानक से दौड़ने लगी। साइनी को इस तरह से दौड़ता देख पहले तो लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन तभी साइनी दौड़ते हुए वहां प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों के बीच जा पहुंची। ये वे लोग थे जो बिजली पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर आंदोलन कर रहे थे। टीएमसी की ओर से किए गए एक ट्वीट में केंद्र पर विरोध की आवाज को दबाने का आरोप लगाया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि जब अन्याय रूटीन बन जाए तो आपके हक के लिए बंगाल की अपनी बेटी ही खड़ी हो सकती है। ममता बनर्जी ही आपके अधिकारों के लिए लड़ती रही हैं और हमेशा लड़ती रहेंगी। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स की टीम में एक चौंकाने वाला चेहरा है। ये है मनीष तिवारी। तिवारी नाराज कांग्रेसियों के G23 में शामिल रहे हैं और इस ग्रुप को अब तक चुनाव प्रचार से दूर ही रखा जा रहा था, लेकिन पहली बार मनीष तिवारी को कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में जगह दी है। ममता बनर्जी ने अधिकारी फैमिली पर करोड़ों की लूट का आरोप लगाया तो शुभेंदु ने तोलाबाजी पर ममता से सवाल पूछ लिया। शुभेंदु ने कहा है कि हालांकि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया है, लेकिन ममता को पहले अपनी चीजों का जवाब देना चाहिए। बंगाल के लिए चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बीसी रॉय के कार्यकाल का बंगाल बनाने का वादा किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो राज्य में कई भारी उद्योग लेकर आए। खास बात यह है कि कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी चीजों को मुफ्त में बांटने की रणनीति में यकीन नहीं करती, बल्कि बंगाल का विकास सुनिश्चित करना चाहती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेहतर कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई। पश्चिम बंगाल में बम बंदूक की राजनीति पर लगाम नहीं लग रहा। अब साउथ 24 परगना में कई टूट बम बरामद हुए हैं। पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि इनके पीछे सरगना कौन है, लेकिन माना यही जा रहा है कि चुनावी माहौल में विरोधियों को डराने धमकाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।